पाठ दो, फसलों के त्योहार। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, तुम्हें कौन सा त्योहार अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम किसी भी त्योहार के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, राखी आदि, किसी के ऊपर भी हम अपने विचार लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप अपने आप करेंगे। प्रश्न नंबर दो, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? तो वैसे तो हम तिल के बारे में जो मैं आपको बताने जा रही हूं, इसके अलावा भी आप यदि आपको कुछ लगता है तो आप लिख सकते हैं। तो लेकिन जो मैं लिखने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। तिल का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। तो नंबर वन, तिल का तेल बनता है जो मालिश में, खाना बनाने में आदि कामों में प्रयोग होता है। नंबर दो, तिल से लड्डू बनाए जाते हैं। नंबर तीन, तिल को दान भी किया जाता है। प्रश्न नंबर तीन, क्या तुम जानती हो तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? तो आंसर इसका है, तिल के अतिरिक्त सरसों, नारियल, आंवला, सूरजमुखी आदि, यानी के और भी हो सकते हैं, को मशीनों में पीस कर इनका तेल निकाला जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर चार, अपने शहर की खास पकवान के लिए मशहूर दुकानों के नाम लिखो। तो मैंने सिर्फ दो दुकानों के नाम लिखे हैं, कंसल, पचरंगा, बाकी आप कुछ भी अपने आप लिखो। प्रश्न नंबर पांच, खिचड़ी बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? तो इसका उत्तर भी आप अपने आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर छह, सर्दी में सूरज ना निकले तो आपको कैसा लगेगा? तो आप वैसे तो खुद भी सोच सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ बता रही हूं। सर्दी में सूरज ना निकले तो ठंड अधिक हो जाएगी तथा मौसम में नमी अधिक होने के कारण कपड़े सूखने में भी बहुत परेशानी होगी। प्रश्न नंबर सात, फसलों से जुड़े त्योहारों के नाम लिखो। तो उत्तर, मकर संक्रांति, बिहू, ओनम, पोंगल, लोहड़ी, सरहुल आदि, यानी के और भी हो सकते हैं, त्योहार फसलों से जुड़े हैं। अब इसके बाद हम इसके क्या लिखेंगे, शब्द अर्थ। तो आपने
प्रश्नों के उत्तर जो उनसे मैंने आपको अपने आप लिखने के लिए कहे हैं वो आप अपने आप बनाकर लिखेंगे और बाकी आप अपने आप देख के लिखेंगे। तो आपने क्या करना है होमवर्क में, क्वेश्चन आंसर्स लर्न एंड राइट और आपके वर्ड मीनिंग, और बाकी के आपको मैंने बताया ही है जितने क्वेश्चन मैंने आपको कहा है आप अपनी मर्जी से लिखेंगे वो भी लिखने हैं। धन्यवाद।